सत्ता के गलियारों से, सड़क से संसद तक, नेताओं की कथनी करनी का सच जब भी डोलता है, मैं अशोक वानखड़े बोलता है। सिर्फ न्यूज नशा पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है, क्योंकि कई बार जब सच्चाई डोलती है तो बोलना पड़ता है। हाल ही में G20 की जो मीटिंग हुई इंडोनेशिया में, बाली में, वहां भारत को सदारत मिली G20 की। रशिया यूक्रेन को लेके बाकायदा भारत की भूमिका को सराहाया गया। पूरे देश में हम हमारी विदेश नीति और प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री की जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि रशिया से हमें बहुत सस्ता क्रूड ला रहे हैं और हमें बहुत फायदा हो रहा है, ऐसी बात बताई जा रही है जो सच है। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि रशिया एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से वसूलता है, और वह हमसे बहुत अच्छा वसूल रहा है। और उसके, रशिया के इस सस्ते तेल के चलते हम कहीं रशिया को दूसरी जगह पर 20,000 करोड़ का फायदा करवा रहे हैं, जो घाटा हमारा है। मैं आपको लेके चलता हूं हीरो की दुनिया में, डायमंड्स। डायमंड्स आर फॉरएवर कहा जाता है। भारत में रूस से बहुत ज्यादा रफ डायमंड आता है। रशिया की एक कंपनी है अलरोसा, ये कंपनी में 66% शेयर रशियन सरकार का है, बाकी बचा हुआ 34% प्राइवेट पार्टीज का है। विश्व की सबसे बड़ी रफ डायमंड सप्लाइंग कंपनी यानी माइनिंग कंपनी है अलरोसा। इसके पास यूरेनियम माइनिंग के भी अधिकार है, प्रोसेसिंग के भी अधिकार है, वो एक अलग काम करती है कंपनी। लेकिन हमारे यहां जो टोटल आयात होता है रफ डायमंड का, उसका करीब करीब 35% आयात अलरोसा से होता है। जैसे ही यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, अमेरिकन और यूरोपियन देशों ने अलरोसा के रफ डायमंड पे बैन लगा दिया कि ये डायमंड कहीं नहीं बेच सकते। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जब बैन लगा तो रशिया भारत की तरफ मुड़ा, हालांकि लॉजिस्टिकली वो हमें तकलीफ का मामला है। खाड़ी के देशों से पेट्रोल बहुत जल्दी और सरलता से आता है, लेकिन फिर भी इतना सस्ता था तो भारत ने लेना शुरू किया। लेकिन ये जो अलरोसा कंपनी है, इसने अलग तरीके से काम किया, क्योंकि इन्हें पता था कि विश्व में डायमंड की तो जरूरत होगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए भी होगी और ज्वेलरी के लिए भी होगी। ऐसे में डिमांड तो कम नहीं होगी, तो उन्होंने सप्लाई टाइट किया और भाव बढ़ा दिए, जिसके चलते उनका रफ डायमंड भारत को महंगे रेट में खरीदना पड़ रहा है। और अलरोसा की कमाई दुगनी हो रही है। वो डायमंड जब पॉलिश, क्योंकि कोई भी हीरा जब रफ आता है खदान से, जब तक उसके ऊपर पॉलिश नहीं होता, प्रोसेसिंग नहीं होता, कटिंग नहीं होता, तब तक वो किसी काम का नहीं होता। भारत ये सबसे बड़ा केंद्र है कटिंग और पॉलिशिंग का। सूरत आप कहो तो कटिंग और पॉलिशिंग के दुनिया की राजधानी, देश की नहीं, एशिया की कह सकते हो। इतने बड़े पैमाने पे यहां कटिंग और पॉलिशिंग का काम होता है। जब रशिया का ये हीरा कट और पॉलिश होने के बाद अमेरिका के बाजार में और यूरोप के बाजार में बिकता है, क्योंकि फिर उसका रशिया होने का टैग बिट जाता है। इसलिए
इस अलरोसा के रफ डायमंड तो धड़ल्ले से अमेरिका और यूएस के यूरोप के बाजार में बिक रहे हैं, कहीं भारत के थ्रू तो कहीं चाइना के थ्रू तो कहीं और देश के थ्रू। और कीमतें बढ़ाने की वजह से उनकी कमाई भी दुगनी हो रही है। यदि मैं भारत की बात कहूं तो हमारे यहां बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए उनके आयात में तो घट हुई, लेकिन पेमेंट हमने कम रफ हीरे आयात करने के बावजूद भी ज्यादा किया। उदाहरण के तौर पे सितंबर 2021 में 172.13 लाख कैरेट रफ डायमंड हमने आयात किए थे, इस बार वो घट के 121.13 लाख कैरेट रफ डायमंड हमने आयात किए, वो इसलिए कि कीमत बहुत ज्यादा थी। लेकिन जहां भुगतान करना है तो 2021 में जब हमने 172.13 लाख कैरेट हीरे आयात किए उसके लिए हमने 12,314.43 करोड़ रुपए भुगतान किया, लेकिन 2022 में जब करीब करीब 30 लाख कैरेट कम आयात किए लेकिन हमने पैसे 12,460.25 करोड़ दिए, करीब करीब यदि पिछली तुलना में देखा जाए 100 करोड़ के आसपास ज्यादा पैसा दिया, जो 2% आता है। यानी हमने 17% आयात कम किया और 2% कीमत ज्यादा दे रहे हैं। बात यहां तक नहीं है, विश्व में एक यूरोपियन कंपनी थी डीबियर्स, वो अफ्रीका के माइनिंग से रफ हीरे निकालती थी और विश्व को सप्लाई करती थी, बड़ा नाम था उस कंपनी का। लेकिन उस कंपनी पे ये सबसे बड़े आरोप लगे थे कि इस डायमंड के मुनाफे से जो पैसा आता है वो युद्ध में लगाया जाता है। तो कई देशों ने इस डायमंड पे ऑब्जेक्शन दिया, इस पर रोक लगा दी गई, क्योंकि यह मुनाफा यदि गलत काम के लिए, क्योंकि विश्व युद्ध को हमेशा ही गलत काम कहता है, तो ये पैसा युद्ध में नहीं जाए, इसलिए डीबीएस बदनाम हो चुकी थी। उसके बाद यहां पर एक नया सिस्टम शुरू हुआ और सिस्टम शुरू हुआ कि एक सर्टिफिकेशन एजेंसी तय हुई जिसको किम्बर्ली प्रोसेसिंग सर्टिफिकेशन कहते हैं। ये एजेंसी उस डायमंड माइन को या उस कंपनी को जो रफ डायमंड बेचती है उसको सर्टिफिकेट देती है कि यह पैसा मुनाफे का किसी भी हालत में युद्ध में नहीं लगता और उसे क्लीन डायमंड के नाम से फिर बेचा जाता है। लेकिन किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन ने अभी रूस की कंपनी पे अलरोसा पे ऑब्जेक्शन उठाए। उनका कहना है कि रूस की ये अलरोसा कंपनी जो पैसा कमा रही है ये शुद्ध रूप से युद्ध में लगा रही है, क्योंकि रूस की एक कंपनी और है गोखरन। गोखरन ये अलरोसा के लिए बिचौलिया का काम करती है। यदि भारत को अलरोसा से कच्चे हीरे लेने होते हैं, रफ डायमंड लेने होते हैं, तो उसके लिए आपको गोखरन कंपनी को कमीशन देना पड़ता है, वो बिचौलिया है बीच में। और यही अलरोसा कंपनी रशिया के सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा फाइनेंसर है। एक सबमरीन का नाम इस कंपनी के नाम पे अलरोसा पे रखा गया है। तो क्या हम इनडायरेक्टली जो अलरोसा से डायमंड ले रहे हैं वो डर्टी डायमंड है? क्या यूक्रेन और रशिया के युद्ध में कहीं ना कहीं उस युद्ध में फाइनेंशियल मदद करने का
ठीक रहा, भारत पे भी फूटता है, क्योंकि आप 20,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट अलरोसा को दिलवा रहे हो, उससे महंगे हीरे इंपोर्ट करके, क्योंकि विश्व को आपको देने। कुल मिलाकर आने वाले समय में ये अलरोसा का आयात हमारे देश पे कहीं काली खोद के चला जाएगा, क्योंकि युद्ध के लिए जो बर्बरता होती है, और युद्ध पैसों से, पैसों के ताकत के बगैर नहीं लड़ा जाता। रशिया को सबदूर ब्लॉक करने के बाद भी यूरोप भूखा नहीं मरे करके यूक्रेन का अनाज जा रहा है, और रशिया का पेट्रोल भी बिक रहा है, और रफ डायमंड भी बिक रहे हैं। अब पता नहीं खबरें क्या क्या निकल के आएगी और क्या क्या बिक रहा होगा। और कहीं ना कहीं भारत, जब हम इस बात के लिए स्वयं को महिमामंडित करते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में बातचीत के लिए हम बहुत बड़े पुल का काम कर रहे हैं, हम कहीं यूक्रेन में होने वाले बमबारी के फाइनेंसर तो नहीं है। इसके लिए सरकार को सोचना होगा। लेकिन गुजरात में चुनाव है, सूरत में रफ डायमंड नहीं पहुंचा तो सूरत में क्या होगा? हाहाकार होगा, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। जो जीएसटी है गुजरात का, वो कितने नीचे जाएगा ये आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए धंधा है, गंदा है, मगर धंधा है, क्या करें। यह एक खबर जब मेरे नजर में आई तो मुझे लगा आपके सामने विश्लेषित करूं, और सरकार की इस सच्चाई को कि वो यूक्रेन और रूस के बीच में शांति का पुल बन के बह रहा है, जुगाड़ कर रहा है, पुल बनने की जुगाड़ कर रहा है, यूक्रेन को कहीं ना कहीं मदद करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन क्या वाकई हम यूक्रेन पे गिरने वाले बम के फाइनेंसर है? क्योंकि जो प्रोसेस है किम्बर्ली, यह तो कम से कम यह आरोप लगा रहा है कि यह क्लीन डायमंड नहीं। डायमंड्स आर फॉर एवर, जैसा मैंने कहा जाता है, लेकिन डर्टी डायमंड्स हैव नो प्लेस, यह भी कहा जाता है। आज इतना ही, फिर आता हूं कल किसी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।